में देखा जाए तो बरामदगी काफ़ी लंबी चौड़ी है, और आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी है काफ़ी मात्रा में सारे ये इंग्रेडिएंट्स इसके। इसके साथ साथ गोरीचक थाना में भी बहुत सारा ट्रक, लगभग ट्रकों माल वहाँ पर है, जो कि फिजिकली यहाँ लाना संभव नहीं था, तो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा उसका फोटोज़ वगैरह। क्या कहेंगे सर, नकली शराब बनाया? हाँ, मैकडॉवेल्स का 375 ml का एक बॉटल, एक 2 लीटर प्लास्टिक बॉटल में जामुनी रंग का गाढ़ा एक रसायन पदार्थ, उसको हम लोगों ने बनवाया भी था, सामने उसको देखा कि कैसे उन्होंने बनाता है। तो विद इन 2 मिनट के अंदर एक पूरा जो है ये दिखा सकते, ये वाला एक ऐसा पदार्थ था जिसमें वो कुछ इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद, पानी बिस्लेरी का पानी मिलाने के बाद उसको डाल के पूरा इसका जो है एक मतलब जो मैकडॉवेल हो चाहे विभिन्न ब्रांड की जो शराब होती है इंग्लिश शराब, उसका जैसे एक हूबहू एकदम असली ओरिजिनल दिखने जैसा उसने बना के हम लोगों के सामने दिखाया। उसका हम लोग एक शार्ट क्लिपिंग आप लोगों को बहुत जल्द दे देंगे, और जिसके माध्यम से एक तो खुलासा होगा कि कैसे एक अवैध फैक्ट्री के रूप में ये लोग अपना ये कारनामा कर रहे थे। ये देखिए काफ़ी दिन से चल रहा है, इसमें अभी हम लोगों का अनुसंधान चल रहा है, और जो अभी अभियुक्त जो पहला जो पकड़ा गया था बबलू कुमार, उसने काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, तो अभी हम लोग इसमें अनुसंधान चल रहा है। आगे जो तथ्य और भी सामने आएंगे वो जैसे अनुसंधान के क्रम में आएंगे बाद में फिर आप लोगों का अवगत कराएंगे। बोतल ये लोग जो है बाहर से भी लाते थे, और कुछ अपना लोकली ये लोग जो है ये जो कबाड़ी की दुकान वगैरह में होता है, तो कबाड़ी की दुकान के माध्यम से जो संजय कुमार की गिरफ्तारी हुई है, तो वहाँ से ये लोग जो है बॉटल लेते थे और उसकी वहाँ पर ही सफाई करवाते थे। वहाँ से हम लोग कई ड्रम वगैरह पाए हैं जो कि उसमें लोग डेली सफाई करते हैं, और कुछ केमिकल का भी यूज़ करते थे, उसका प्रॉपर सफाई करते थे। और अगर रैपर वगैरह वो देख आप लोग इधर देख सकते हैं, रैपर वगैरह कुछ दिखाई, तो रैपर वगैरह ये लोग सब रखे हैं, स्टीकर रखे हैं, जैसे ये होलोग्राम्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं कि जो एकदम ऐसे ही लोग लगाते थे कि पूरा एकदम असली जैसा ये पूरा दिखता था। ये देखिए ये इसके कवर जो जिसमें ये लोग पैक करते हैं, ये पूरा एकदम ये लोग ऐसा शायद हज़ारों की संख्या में बरामद हुआ है। और ये स्टिकर्स हैं जो उसके ढक्कन के ऊपर लगाते थे, बार कोड वगैरह है, जिसको आपको देखने पर ये लगेगा कि ये एकदम असली है। सिर्फ एक तरीके से इन्होंने ऐसा ये गिरोह बना के रखा हुआ था, और ये अवैध रूप से फैक्ट्री के रूप में ये चला रहे थे, जिससे किसी भी तरीके से ये लगे नहीं कि ये लोकली स्तर पे बनाया जा रहा है। और हम लोग लगातार जो हम लोगों की छापेमारी और दबिश की कार्रवाई की जाती है, इसको इन लोगों ने कुछ रिहायशी इलाकों में अच्छी जगह पर ऐसा गुप्त ढंग से इसको चला रखा था, और हम लोगों की जो है लगातार जो सघन चेकिंग चल रही थी, इसी क्रम में इस काम का इस गिरोह का उद्भेदन हुआ है। सर ये इनका लोकली स्तर पे है, ये पटना में ही कर रहे थे स्पेशली, और अभी इसमें अनुसंधान चल रहा है, हो सकता है आगे अगर कोई तथ्य सामने आएगा। क्या कीमत था इनके बेचने का? इनका कीमत वही नॉर्मली जो बता रहा था कि इनका मेकिंग चार्ज जो है कि एक बॉटल पे लगभग 50 से 100 रुपये मैक्सिमम पड़ता था, लेकिन ये लोग 500 से लेके 1000 रुपये तक इसको बेचते थे। किस किस कंपनी का शराब बना रहे हैं? और कई जगहों पे आजकल में कई लोग जहरीली शराब से मर चुके हैं, तो क्या ये लैब में भेजा जाएगा, कहीं इनमें शराब में जहरीला पदार्थ होने की संभावना को देखते हुए इसको जाँच के लिए भेजा जा सकता है? देखिए अभी अनुसंधान के क्रम में आगे हम लोगों को जो भी जरूरी एहतियातन कदम होंगे उठाए जाएंगे, इसकी प्रॉपर जो है अनुसंधान और एफएसएल के माध्यम से जा